प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल सुरेश कुमार की शुक्रवार को मौत हो गई। वे समाजवादी पार्टी के प्रमुख प्रचारकों में से एक थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुरेश कुमार की फोटो को शेयर करते हुए उनकी मौत को हत्या करार दिया है। सुरेश उन्नाव जिले के रहने वाले थे। सपा की रैलियों में अक्सर सुरेश दिखते थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रचारक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाले सुरेश ठाकुर की निर्मम हत्या बेहद हृदय विदारक घटना है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। सुरेश कुमार योद्धा उन्नाव के सोहरा मऊ थाना क्षेत्र के चौपाई गांव के रहने वाले थे। उनकी पत्नी ने खुलासा किया कि पिछले महीने 28 जुलाई को सुरेश को उसके दो भाइयों ने बेरहमी से पीटा था। हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इलाज के बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई, जिससे अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सुरेश कुमार के शव को कब्जे में ले लिया है। जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शोक व्यक्त करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अस्पताल पहुंचे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, सपा के प्रचारक के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले सुरेश ठाकुर की पीट पीट कर हत्या की घटना अत्यंत हृदय विदारक है। सरकार से अपील है कि वे जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। भावभीनी श्रद्धांजलि। सुरेश कुमार योद्धा की पत्नी ने उन्नाव पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मारपीट के बाद सोहरामऊ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पत्नी ने आगे दावा किया कि पुलिस और आरोपी व्यक्तियों के बीच मिली भगत है। वह न्याय की तलाश में अस्पताल और पुलिस स्टेशन के बीच चक्कर काट रही थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सुरेश कुमार योद्धा समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें अक्सर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ देखा जाता था। उनकी शक्ल हूबहू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलती है। उन्होंने सीएम योगी की तरह ही वेशभूषा और बोलने का अंदाज अपनाया हुआ था। विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के साथ सुरेश कुमार योद्धा की एक तस्वीर ने काफी ध्यान आकर्षित किया था। उन्हें प्लेन के अंदर एक साथ लंच करते देखा गया। इसके अतिरिक्त रनवे पर उनकी एक साथ एक तस्वीर भी खींची गई थी। सपा मुखिया से उनकी नजदीकियों को देखते हुए लोग कयास लगाने लगे कि सुरेश को जल्द ही पार्टी में कोई अहम पद मिल सकता है। जब भी अखिलेश यादव प्रचार अभियान पर निकलते थे, सुरेश अक्सर उनके साथ नजर आते थे। सुरेश के जरिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते थे।